तो सबसे पहले बात कर लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर गुरुवार से पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है मुख्यमंत्री योगी ने वहां जनसभाओं को संबोधित करने के लिए गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री गुजरात के पाटन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत की राजनीति बेईमान भ्रष्टाचार और अराजकता और कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति का शिकार बन चुकी थी, लोगों में आक्रोश था, राजनीति के प्रति अविश्वास था, उस समय साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती ने दी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार गुजरात से भर दी है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि इस बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। अब इस मौके पर पाटन से उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब पूरे देश में पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर एक नफरत की भावना थी, अविश्वास की भावना थी, उस समय गुजरात की धरती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता जो है वो पूरे देश को दिया। आक्रांताओं को नाकों चने चबाने का काम किया था। कभी भी अरावली ने दुश्मन के सामने झुकना नहीं सीखा और यही संघर्ष का यह प्रेरणा भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी निरंतर प्राप्त होती रही। आज हम सब यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी पावन धरती है, बड़ी उर्वरा धरती है। गुजरात की धरती ने सदैव देश को एक नई प्रेरणा दी है। जब देश मध्यकाल के आक्रांताओं के कारण तमाम सामाजिक रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, उस कालखंड में स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात की धरती ने देश को दिए, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से समाज को एक नई जागृति पैदा करने का काम किया था।